हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोर्स के एटॉमिक मॉडल को समझा था और बोर्स का एटॉमिक मॉडल जिन पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है हमने उन पोस्टुलेट्स को वन बाय वन डिस्कस किया था। अब हमें आज की क्लास में एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझना है, यानी एक एटम जो है, कोई भी एटम जो है वो किस तरह का स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है, हम उसकी बात करेंगे। हमने एक पॉइंट पहले भी डिस्कस किया है कि हर एटम का अपना यूनिक स्पेक्ट्रा होता है, यानी हमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस उस एटम के स्पेक्ट्रा में देखने को मिलेंगी, एक पर्टिकुलर एटम के स्पेक्ट्रा में देखने को मिलेंगी, वो दूसरे एटम में नहीं मिलेंगी। तो हर एटम का अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रा आता है। स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम वर्ड में क्या डिफरेंस है? तो स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं एक सिंगल एटम के लिए, यानी सिंगुलर है, और स्पेक्ट्रा जो है वो प्लूरल है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम वर्ड से भी आप फेमिलियर हैं, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं जहाँ पे आपको फिनोमिना पढ़ाया जाता है डिस्पर्जन का, कि जो वाइट लाइट है वो वाइट लाइट अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो जो स्प्लिटिंग का फिनोमिना है, जहाँ पे लाइट जो है अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो रही है, सेपरेट हो रही है, उसी फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो जब हम ऑर्डिनरी लाइट को, जो हमारी सन से लाइट आ रही है, वाइट लाइट या ऑर्डिनरी लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करें, प्रिज्म, तो ये प्रिज्म क्या करेगा, जो एक सिंगल रेडिएशन की तरह हमें वाइट लाइट दिख रही है उसको क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, अलग अलग वेवलेंथ्स के रेडिएशन में स्प्लिट कर देगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। और ये देखिए, ये वाइट लाइट जब पास हुई तो अपना पाथ से क्या हुई, डिविएट कर गई। जो लाइट सबसे ज्यादा, या जो रेडिएशन या जिस वेवलेंथ की लाइट सबसे ज्यादा डिविएट करती है, ठीक है, उसके साथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड होती है। और जब हम ये सेवन कलर्स ऑप्टेन करने के लिए एक स्क्रीन लगाते हैं, तो ये स्क्रीन पर जो हमें बैंड मिलता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, उसी को ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, और द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंटू रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रिक्वेंसी आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म और एनी अदर डिवाइस इज कॉल्ड डिस्पर्शन, एंड द पैटर्न ऑफ रेडिएशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर द डिस्पर्शन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये हमने यहाँ पे लगा रखी है स्क्रीन, और हमें क्या होगा, यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलेगा, और वाइट लाइट अपने 7 कलर्स में जो है हमने कहा वो स्प्लिट होती है, और यहाँ पे डिविएशन सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा होगा वॉयलेट कलर, क्योंकि वॉयलेट के साथ वेवलेंथ कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और उसके बाद 7 कलर्स की हम बात करते हैं विबक्योर, ठीक है, विबक्योर लास्ट में जो हमारा आएगा वो रेड लाइट रहती है, रेड लाइट। तो ये पूरा लाइट हमें यहाँ पे मिल रही है, और उसमें कौन कौन सी लाइट्स या कौन कौन से कलर्स के रेडिएशन प्रेजेंट हैं, वॉयलेट से लेके रेड तक। और एक अगर हम रेंज की बात करें, वेवलेंथ की रेंज, तो जो वॉयलेट कलर है अप्रोक्सीमेट 3800 एंगस्ट्रॉम रहता है, और जो व्हाइट लाइट है उसकी रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेट 620 नैनोमीटर में, अगर बात करें तो 750 नैनोमीटर होती है, जिसको रफली हम एंगस्ट्रॉम में रेड के लिए कितना लिख देते हैं, 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो विजिबल रीजन में हमें ये स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, और उसमें जो वेव जो रेडिएशंस होंगे उनके जो वेवलेंथ्स होंगे, विजिबल रीजन में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो है वो यूवी रीजन में भी बन सकता है, आईआर रीजन में भी बन सकता है, कि वो हमें ना दिखाई दे, इनविजिबल अगर स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है या रेडिएशन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो विजिबल रीजन में हमें मिलता है उसकी रेंज कहां से कहां तक है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके, जिसको 4000 एंगस्ट्रॉम हम राउंड ऑफ करके बोल सकते हैं, 8000 एंगस्ट्रॉम तक, या फिर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और ये वॉयलेट है, और यहां जो हमें मिलेगा रेड कलर, और इसके बीच में जो कलर्स आएंगे वो होंगे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज और रेड। ये जो 7 कलर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर्स की जो 7 कलर्स का स्प्लिट होके वाइट लाइट से मिल रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम। इसको हम इन कलर्स को हम रेनबो में भी देख सकते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ रेनबो कलर्स भी बोल सकते हैं। और ये स्पेक्ट्रम हमें कौन देगा, ये स्पेक्ट्रम हमें देगा व्हाइट लाइट, यानी कि जो लाइट हमारी सन से आ रही है वो लाइट हमको ये विबक्योर वाला जो स्पेक्ट्रम है वो हमको देगा। और इसमें जो है जो कलर्स हैं,
जो वॉयलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू, जो कलर्स है वो ऐसा लगता है जैसे एक कलर दूसरे में से इमर्ज हो रहा है, मतलब दो कलर्स के बीच में कोई भी गैप हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वॉयलेट से के बाद इंडिगो शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ जो हमने रेंज लिखी है 3800 एंगस्ट्रॉम्स लेके 7800 एंगस्ट्रॉम, इसमें हमें सारी वेवलेंस वाले कलर मिलेंगे। वॉयलेट भी एक सिंगल कलर, हमने सिर्फ सेवन कलर्स लिख रखे हैं यहाँ पे, लेकिन वो एक सिंगल कलर भी, आप लोगों ने आर्ट्स पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, आपको पता है कि वॉलेट में भी कितने वेरिएशन होते हैं, रेड कलर में भी कितने वेरिएशन होते हैं। घर में कभी जब हम पेंट करवाते हैं और शेड कार्ड आता है तो रेड में भी आपको एक सिंगल रेड नहीं मिलता है, बहुत सारे रेड के वेरिएशन हमें मिलते हैं, रेड के कलर्स मिलते हैं। उसका रीजन क्या है कि हमने यहाँ पे तो रेड के लिए एक वेवलेंथ लिख रखी है 7800, लेकिन हमने कहा रेड की रेंज क्या है, 620 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक है, राइट? यानी 6200 से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक है, तो हमें सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है जिसमें यहाँ से लेके और यहाँ तक की वेवलेंथ के सारे हमें कलर्स या सारे रेडिएशन हमें देखने को मिल रहे हैं, इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, एक कलर दूसरे कलर में से हमें निकलता हुआ दिखेगा, दो कलर के बीच में हमें कोई शार्प बाउंड्री नहीं दिखेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो कलर के बीच में कोई एक गैप है और वहां पे कोई कलर प्रेजेंट नहीं है, जो दो कलर हैं उनके बीच में हमें कलर्स ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर वेवलेंथ का वहां पे रेडिएशन अवेलेबल है, राइट? तो एक कलर में से ऐसा लगेगा दूसरा कलर निकल के आ रहा है, और ये जो स्पेक्ट्रा बनता है ये होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। और अगेन ये स्पेक्ट्रा हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कौन देगा, व्हाइट लाइट देगी, जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे। तो स्पेक्ट्रम क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया बैंड ऑफ सेवन कलर्स ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अब स्क्रीन को अगर हम कुछ इस तरह से बना लें तो जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है, ठीक है, उसमें ये वॉयलेट आ गया, इंडिगो आ गया, ब्लू आ गया, ग्रीन, उसके बाद येल्लो और ऑरेंज और फिर रेड, सारे कलर्स एक के बाद एक हैं। तो एक के बाद एक जब कलर्स आ रहे हैं उनको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन एटम के स्पेक्ट्रम ऐसे नहीं बनते हैं, एटम के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो होते हैं डिस्क्रीट या फिर डिसकंटिन्यूअस, और उसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड का सेकेंड, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसका सेकेंड आप जो ड्रॉबैक था उसको याद करिए, रिकॉल करिए, उसमें क्या हो रहा था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंटिन्यूअस एनर्जी को एमिट करते हैं, और अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट हो रही है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनना चाहिए, यानी कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रम आना चाहिए। लेकिन एटम का स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे यहाँ हमें एक के बाद एक कलर्स देखने को मिल रहे हैं, एटम के केस में हमें ये नहीं मिलेगा। एटम के केस में क्या होगा, एक कलर आया, सपोज वॉयलेट कलर आया, ठीक है, उसके बाद इंडिगो ब्लू गायब हो गया और उसके बाद ग्रीन कलर आ रहा है, तो जहां पे कलर मिसिंग है, जहां पे कलर मिसिंग है वहां पे एक डार्क बैंड आ जाएगा, वहां पे अंधेरा होगा, वहां पे कोई कलर ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पता चला ग्रीन कलर आ रहा है, उसके बाद येलो कलर आ रहा है, और फिर ऑरेंज और रेड गायब हो गया, तो सारे वेवलेंथ के हमें कलर्स वहां पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो एटम के स्पेक्ट्रा होते हैं वो होते हैं किस तरह के स्पेक्ट्रा, या क्या कहते हैं उनको, डिस्क्रीट वर्ड यूज करते हैं या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और या फिर लाइन स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं कि हमें कुछ स्पेसिफिक लाइन्स ही मिलेंगी या कुछ स्पेसिफिक कलर्स की ही लाइंस मिलेंगी और बाकी कलर्स हमें वहां पे नहीं मिलेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है रेडिएशंस को सेपरेट करने के लिए, या ये कहें कि रेडिएशंस के अंदर जो अलग अलग वेवलेंथ्स के रेडिएशन प्रेजेंट हैं, एक सिंगल जो रेडिएशन हमें दिख रहा है उसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के रेडिएशंस होंगे बेसिकली, तो उनको अगर हमें सेपरेट करना है तो हम उनको सेपरेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है, दोनों वर्ड हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप में एक प्रिज्म लगा होता है, ठीक है, और साथ में एक टेलीस्कोप होगा, लेकिन अगर प्रिज्म की जगह पे, ठीक है, हम एक फोटोग्राफिक फिल्म यूज कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए तो हम उसको बोल देते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। और स्टडी क्या कहलाएगी, हमने पहले भी बात किया है, स्टडी कहलाती है, अगर हम किसी स्पेक्ट्रा को स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब अगर हम
कहाँ से रेडिएशन एमिट हो रहा है, यानी सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है। अगर उसके बेसिस पे हम स्पेक्ट्रा को क्लासिफाई करें तो हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रा आते हैं, ठीक है। एक हमारा है एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा हमारा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसमें से इम्पोर्टेंट और जो हमें पढ़ना है वो है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये फिर से हम जब बात करें तो दो तरह का होता है, और वो दो जो टाइप हैं वो यही हैं। एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो हमें व्हाइट लाइट के केस में मिलता है, और एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो हमें किसके केस में मिलता है, हमें एटम के केस में मिलता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो चीज़ हमने डिस्कस करी है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है कि डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ रेडिएशन जो हमारे स्पेक्ट्रम है वो दो तरह के हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट। अब एमिशन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है, ठीक है, या एमिशन स्पेक्ट्रा के जो टाइप्स हैं उनको हम बोल सकते हैं दो टाइप्स हैं। एक कंटिन्यूअस हमें किसके केस में मिल रहा है, व्हाइट लाइट जो है, जो सेवन कलर्स में स्प्लिट हो रही है, वो जो हमें स्पेक्ट्रा दे रही है, यानी बैंड ऑफ सेवन कलर्स दे रही है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और एटम जो हमें स्पेक्ट्रा देते हैं उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, या फिर लाइन स्पेक्ट्रा। अब कंटिन्यूअस की मीनिंग, कोई चीज़ अगर कंटिन्यूटी में नहीं है, ब्रेक हो रही है, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। इस केस में, एटम के केस में हमें अलग अलग कलर्स की लाइंस मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे लाइट के केस में क्या हो रहा था, हमें सारे कलर्स मिल रहे थे विजिबल रीजन में, वॉयलेट भी, इंडिगो भी, ब्लू भी। एटम के केस में पॉसिबिलिटी हमने कहा क्या हो सकती है कि प्रोबेबली वॉयलेट कलर हो, और उसके बाद इंडिगो ब्लू नहीं है, ग्रीन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद येलो ऑरेंज नहीं आ रहा है, रेड आ रहा है। तो इस तरह से जो अलग अलग कलर की लाइन्स हमें मिल रही हैं स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, दैट इज ओनली कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एटम के केस में लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, और जो लाइंस होती हैं ना, ये एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं थ्रू डार्क स्पेसेस, और इन्हीं डार्क स्पेसेस को हम बोलते हैं डार्क बैंड्स। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जितनी भी लाइंस हमें मिलेंगी लाइन स्पेक्ट्रम में, हमें जो भी लाइंस मिलेंगी, ईच लाइन करस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, उसके साथ कोई ना कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी। अगेन अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम को कुछ इस तरह से, जो स्क्रीन पे ऑप्टेन हो रहा है स्पेक्ट्रम, अगर हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करें, और अगर हम नाइट्रोजन के केस की बात करें तो नाइट्रोजन में हमें डार्क बैंड मिला, कुछ इस तरह से मिलता है, ये अंधेरा काला काला सा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसको हमने कह दिया यहाँ पे डार्क बैंड, ये डार्क बैंड है। उसके बाद ग्रीन कलर की लाइंस मिलती हैं हमें, ये ग्रीन कलर मिलेगा नाइट्रोजन के केस में बात कर रहे हैं, ग्रीन कलर मिला, ठीक है। उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी है कि डार्क बैंड आ जाए, और उसके बाद फिर ग्रीन का कोई वेरिएशन मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ग्रीन में भी एक लार्ज रेंज है वेवलेंथ की, तो फिर से ग्रीन कलर आ गया यहाँ पे, लेकिन ये शेड इससे अलग होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ अलग है और इस ग्रीन की वेवलेंथ अलग होगी। अगेन यहाँ पे हमें डार्क बैंड देखने को मिलता है, और फिर येलो कलर की लाइन मिलती है, और फिर डार्क बैंड आएगा, और फिर हमें रेड मिलेगा। तो येलो मिल रहा है, रेड मिल रहा है, और डार्क बैंड्स आ रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि एटम के केस में जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो कॉम्बिनेशन होता है डार्क बैंड और कलर बैंड का, डार्क बैंड्स एंड कलर्ड बैंड्स, और इस तरह के स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा और डिस्क्रीट या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, क्योंकि कलर जो है आप देख सकते हो कंटिन्यूएशन में नहीं है। और यही लाइन स्पेक्ट्रम जो है इनको हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि एटम के केस में हमें लाइन स्पेक्ट्रम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो पैटर्न ऑफ लाइट होगा किसी भी एलिमेंट का, वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। यानी कि अगर एक एटम में, जैसे नाइट्रोजन में हमने बात करी, हमें ये कलर की लाइंस देखने को मिलेंगी, इस वेवलेंथ की हमें कलर्स देखने को मिलेंगे स्पेक्ट्रम में, तो वो कहीं और नहीं मिलेंगे। तो हम जो लाइन स्पेक्ट्रा बन के आता है उसको हम फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स भी बोलते हैं, कि बिल्कुल जैसे ह्यूमन बींग्स के फिंगरप्रिंट्स, दो ह्यूमन बींग के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, वैसे ही जो है दो एटम के, ठीक है, दो एटम के स्पेक्ट्रम कभी भी सेम नहीं होंगे। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिए हम यहाँ पे एक और लाइन नोट कर लेते हैं, दैट दे आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम, फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स।
अब एक चीज और कि अगर कोई एलिमेंट जैसे यहाँ तो हमने गैस ले लिया, कोई एलिमेंट अगर गैसेस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, जैसे सपोज अगर सोडियम है, सोडियम मेटल की बात कर रहे हैं, तो फिर हम वहाँ पे वेपर्स यूज करते हैं, हम उनकी वेपर्स को हीट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे गैस भी ले सकते हैं और हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस की वेपर्स भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम सोडियम वेपर्स को लें और सोडियम वेपर्स को यहाँ पे हम हीट करें, तो येलो रीजन में हमें सिर्फ दो ही लाइन्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, और उनके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी वो है 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। यानी वो 5890 एंगस्ट्रॉम पे जो येलो कलर बनता होगा, बस वही येलो कलर हमें सोडियम के केस में देखने को मिलेगा, या फिर 5896 एंगस्ट्रॉम पे जो येलो कलर आ रहा है वही हमें देखने को मिलेगा सोडियम वेपर्स के केस में। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम लैब में बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, रिएजेंट की हेल्प से भी हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम बिल्कुल ऑथेंटिक मेथड है, मतलब कभी भी फेल नहीं होगा, और क्योंकि एटम के अपने स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा बन के आते हैं, वो उसी पर्टिकुलर एटम के साथ एसोसिएटेड होंगे, दूसरे एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे। इसलिए हमेशा जब भी हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हम एलिमेंट्स को, तो हम बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रा, उसके स्पेक्ट्रा की हेल्प से ही हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जैसे कि रुबीडियम, सीजियम, उन सबकी जो डिस्कवरी हुई है वो लाइन स्पेक्ट्रम के बेसिस पे हुई है। इवन हीलियम जो सबसे पहले ऑब्जर्व हुई थी, कहाँ से, सोलर एक्लिप्स था और सन से जो रेडिएशंस आ रहे थे उसमें हमें मिला था, एक अलग तरीके का स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन हुआ था, और फिर बाद में पता चला कि वो जो था स्पेक्ट्रम वो किसका था, हीलियम, और हीलियम नाम भी इसलिए दिया गया हेलियोस, जो गॉड ऑफ सन है उनके नाम पे, क्योंकि सन से ही इसकी सबसे पहले, यानी सन रेस जो आ रही थी उसमें ही सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसलिए इसको नाम दिया गया हीलियम। तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम से ही आइडेंटिफाई किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। अब हमें जिस एटम के स्पेक्ट्रा को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, जिसको बोर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे कौन सी गैस ली जाएगी, ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस ली जाएगी, और जब एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करेंगे थ्रू हाइड्रोजन गैस, तो एक ब्लूइश कलर की लाइट जो होती है वहाँ पे एमिट होती है, यानी जो रेडिएशंस आ रहे हैं ये जो है ब्लूइश कलर के रेडिएशंस होंगे, और जब इन रेडिएशंस को हम एक प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो फिर क्या होना चाहिए, वही फिनोमेना जो हमने पढ़ा, एक डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड या फिर डिस्क्रीट शार्प लाइन्स प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन गैस को हीट किया गया और उसमें से जो रेडिएशंस निकले उनको प्रिज्म के थ्रू पास किया गया, तो ये देखा गया कि लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है, और लाइन स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग लाइंस प्रेजेंट थी उनके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड थी, ठीक है, वो अलग अलग रीजन में आ रही थी, जो वेवलेंथ थी अलग अलग लाइट की वो अलग अलग रीजन्स में आ रही थी। अलग अलग रीजन से मतलब है कि सिर्फ विजिबल रीजन में नहीं आ रही थी, अल्ट्रावायलेट रेस या अल्ट्रावायलेट रीजन में भी थी, आईआर रीजन में भी थी, और फार आईआर रीजन में भी प्रेजेंट थी, और उन लाइंस को स्पेक्ट्रल सीरीज बोला गया। और जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं उसमें जो स्पेक्ट्रल सीरीज हमें देखने को मिलती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है सीरीज, उनके डिस्कवरर के नाम पे इन सीरीज का नाम है, लाइमन सीरीज, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्रे। और डिस्कवरी किसने करी थी, लाइमन सीरीज की लाइमन ने, एंड बामर सीरीज की बामर ने। अब ये कहाँ पे किस रीजन में अपियर होती हैं, तो जो लाइमन सीरीज है, ठीक है, जितनी ये सारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लाइन आ रही है उनको हमने 6 सीरीज में डिवाइड किया है, और इसमें से जो लाइमन सीरीज है वो कहाँ हमें मिल रही है, वो हमें मिल रही है यूवी रीजन में। और जो ये बामर सीरीज है ये हमें मिलती है विजिबल रीजन में, तो विजिबल रीजन में सिर्फ हमें एक ही सीरीज मिल रही है और बाकी सारी हमें इनविजिबल रीजन में मिल रही है, ये विजिबल रीजन में आ रही है। और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विजिबल रीजन में हमें कौन सी सीरीज देखने को मिलती है, तो विजिबल रीजन में हमें बामर सीरीज देखने को मिलती है। विजिबल के बाद हमारा आईआर रीजन शुरू होता है, और आईआर में हमें पैशन भी मिलेगा आईआर रीजन में, और पैशन के बाद आ रहा है ब्रैकेट, ये भी हमें मिलेगा आईआर में, और इसके बाद जो है फंड सीरीज जो मिल रही है वो भी हमें कहाँ मिल रही है, आईआर मतलब इंफ्रारेड रीजन, और जो लास्ट सीरीज है हम्फ्रे सीरीज ये हमें मिलती है फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से इतनी सारी हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन हो रही हैं, और
एक साइंटिस्ट हैं रहे हैं रिट्स, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि अगर हमें इन हाइड्रोजन लाइंस के साथ कौन कौन सी वेवलेंथ एसोसिएटेड हैं उनको अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम किस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको वो फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1/λ वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए 1/λ इज इक्वल टू, लैम्डा की जगह पे अगर हम रिप्लेस कर दें तो इट कैन बी μ/cb हो सकता है, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दैट विल बी इक्वल टू आर और आर एच और 1/x² - 1/y² ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन लाइन में अलग अलग हमारी सीरीज ऑब्टेन हो रही है। तो ये तो हाइड्रोजन के केस के लिए था, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर हमारे पास हम कुछ डिफरेंट एटॉमिक नंबर लेते हैं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, 1/λ इज इक्वल टू आर एच, और अभी बात करते हैं कि इसमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं ये क्या है, दिस, और इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 1/N₁² - 1/N₂² अब इसमें जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। लैम्डा आप जानते हो, लैम्डा हम किसके लिए यूज करते हैं, वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं। आर एच जो यहाँ पर है ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आर एच इज रिडबर्ग कांस्टेंट, आर वाई डी रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स और वाई या फिर एन वन और एन टू क्या है, एन आप जानते हैं, एन हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर ये कहें शेल के लिए। तो ये फर्स्ट शेल और ये सेकेंड शेल, फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल का मतलब क्या हुआ, एन वन क्या एक्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल पोजिशन क्या है, वो किस शेल में है और वहां से वो एक्साइट होके किस शेल में गया है। ठीक है, तो ये हायर शेल होगी, एन टू जब भी होगी हायर शेल होगी, इसकी वैल्यू हमेशा एन टू की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी एन वन से, या वाई जो है वो हमेशा किससे बड़ा होगा, एक्स से बड़ा आएगा। तो दीज आर कॉन्स्टेंट्स विच आर यूज इन दिस। और इसी के साथ साथ अगर हमें टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स भी निकालनी हो कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स बन रही हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि सोडियम के केस में येलो में हमें दो लाइन्स देखने को मिलती हैं, तो ऐसे अगर हमें टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालनी है तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है इज इक्वल टू N₂ - N₁, देन N₂ - N₁ आपको फिर से लिखना है और इसमें प्लस 1 कर देना है और ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाई। इस फॉर्मूला से हम टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं हम निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ओरिजिनली कहाँ था, फिर वो कहाँ पहुँचा जो हमने बोर्स मॉडल में बात करी, और जब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, या ओरिजिनल शेल में जब अपनी वापस आ रहा है तो हमने कहा वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता हुआ आता है। एनर्जी किस फॉर्म में एमिट होती है, रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होती है। तो ये जो शेल चेंज कर रहा है उसमें चेंज होने में जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं उससे कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बन के आ रही हैं उसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे होते हैं और वो कैसे स्पेक्ट्रा बनते हैं, वो लाइन स्पेक्ट्रम बनते हैं। ठीक है, अब जो बोर्स ने अपना मॉडल प्रपोज किया था वो मॉडल उनका सक्सेसफुल क्यों रहा, उन्हें नोबेल प्राइज क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया था। अगर आपको याद हो, फिर से बात करें, रदरफोर्ड के जो मॉडल के शॉर्टकमिंग्स थे, ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, जो पहला था वो क्या था कि वो कह रहे थे कि स्टेबिलिटी को एटम की वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन बोर ने क्या कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक शेल में रहेगा वो एनर्जी एमिट नहीं करता, एनर्जी लूज नहीं करता। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि लूजिंग एनर्जी कंटिन्यूअसली एंड फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस जो रदरफोर्ड से आ रहा था। दूसरा जो था कि लाइन स्पेक्ट्रा का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, भाई जब तक वो एक शेल में है उनके साथ एक पर्टिकुलर एनर्जी एसोसिएटेड है, ठीक है, और वो एनर्जी लूज नहीं करेंगे। उसके बाद हमने ये भी बोर के मॉडल में एक पोस्टुलेट समझा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी की ऑर्बिट्स में ही रिसाइड करते हैं, अलग अलग वेरियस न्यूमरस ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमें हर जगह पे नहीं मिलेगा, वो किस पर्टिकुलर एनर्जी की ऑर्बिट्स के साथ मिलेगा। और बोर ने फॉर्मूला भी दिया था, हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया है, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया, हर ऑर्बिट की या हर शेल की एनर्जी को भी कैलकुलेट किया।
किया, ठीक है, और बहुत अच्छे से बहुत सक्सेसफुली उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया. लेकिन साथ साथ ये उनका ड्रॉबैक भी बन गया कि वो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रा को ही एक्सप्लेन कर पाए, यानी कि हाइड्रोजन जैसे उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, या Li2+ जो अपने दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ऐसी सारी स्पीशीज कहलाती हैं वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. तो बोर सिर्फ जो है वन इलेक्ट्रॉन एटम्स को ही एक्सप्लेन कर पाए, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये बोर का ड्रॉबैक है. बट स्टिल उन्होंने बहुत अच्छे से ये दोनों जो शॉर्टकमिंग्स थी रदरफोर्ड के मॉडल की उसको रिमूव किया और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया कि कैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बन के आता है. जो स्पेक्ट्रल सीरीज की हमने बात करी वो कब और कैसे बनती हैं. अब बोर के मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हुआ हायर शेल्स में जाता है, लेकिन हर एटम या हर चीज क्या होती है, अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आती है, लोअर एनर्जी में वापस आती है. तो ये क्या करेगा, एक्साइट होकर वो जिस भी शेल में पहुंच जाए, एन नंबर ऑफ शेल्स आर देयर, वो जहां भी पहुंच जाए वो डी एक्साइट होके रेडिएशन एमिट करता हुआ वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में या ओरिजिनल शेल में आएगा. और इसी प्रोसेस में जो हमने अभी सीरीज की बात करी, स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करी, इस प्रोसेस में वही स्पेक्ट्रल सीरीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाया है कुछ, और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिव चार्ज है. हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें पता है एनर्जी को एमिट करते हुए आगे जाएगा, ये आगे की शेल में जाएगा, ठीक है. ये हमने यहां तक शेल्स बना लिए हैं पी, और उसके बाद ये डी एक्साइट होता हुआ वापस आएगा. इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, यानी एल एम एन ओ पी कहीं पर भी हो, अगर वो रिटर्न होके, ठीक है, कहीं पर भी हो और वो रिटर्न होके अगर वो फर्स्ट शेल में आ रहा है, तो जो सीरीज हमको मिलती है वो मिलती है लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज यानी कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो, चाहे यहां पर और चाहे ये लास्ट शेल, अगर ये फर्स्ट शेल में आ रहा है, चाहे यहां से और चाहे यहां से, कहीं से भी आ रहा हो, अगर फर्स्ट शेल में रिटर्न हो रहा है, तो जो सीरीज हमको मिलेगी वो है लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज का फॉर्मेट. सेम वे इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, लेकिन अगर वो सेकेंड वाली शेल में वापस आ रहा है, तो जो सीरीज हमको मिलती है वो हमें मिलती है बामर सीरीज. बामर सीरीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. इसी तरह से इलेक्ट्रॉन कहीं से भी रिटर्न हो रहा हो, मतलब हायर शेल्स की बात कर रहे हैं, एन ओ पी, चाहे वो पी से सीधे आ रहा हो या फिर पी से ओ और ओ से एन और उसके बाद अगर एम में आ रहा हो, तो जो सीरीज हमको मिलती है लाइमन और बामर के बाद जो हमारी सीरीज आती है वो है पैशन. तो वो कहां बनेगी, अगर एम में रिटर्न हो रहा है तो पैशन सीरीज का फॉर्मेशन होगा. इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर एन के ऊपर किसी शेल में प्रेजेंट था और वहां से अगर वो रिटर्न होके एन में आ रहा हो, तो ब्रैकेट सीरीज मिलनी है हमको, ब्रैकेट एंड सो ऑन. यानी अगर ओ में वापस आ रहा हो तो हमें कौन सी सीरीज मिल जाएगी, फंड सीरीज का फॉर्मेशन होगा, फंड सीरीज मिलेगी. तो लाइमन सीरीज कब मिलती है, ये चीज याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है के अलावा हायर किसी भी शेल में गया हो और वहां से रिटर्न होके अगर वो के में आ रहा है, तो लाइमन सीरीज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है. सपोज अगर वो फोर्थ शेल में गया था, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी एन में था और एन से वो कहां लौट रहा है, के में लौट रहा है, यानी जो एन टू है वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू फोर, और जो अभी हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला, और जो N1 की वैल्यू है, N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. और फिर हम इसी के बेसिस पे स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगेन इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हुआ हायर शेल में गया और इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी हायर शेल में अगर पहुंचा है और वहां से अगर वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो कौन सी सीरीज मिलनी है, लाइमन सीरीज मिलनी है. लाइमन सीरीज कब मिलेगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स. पूरा सेंटेंस लिख लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू लोएस्ट एनर्जी स्टेट या लोएस्ट एनर्जी शेल. क्योंकि हमें पता है कि जो के शेल है वो फर्स्ट शेल है और सबसे कम जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो इसी फर्स्ट शेल के साथ होती है. और अगर आपको बोर का फॉर्मूला ध्यान हो तो उन्होंने कैलकुलेट करके भी बताया था कि फर्स्ट शेल के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. और ये जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे एनर्जी की वैल्यू बढ़ती रहेगी. हमारे पास फॉर्मूला है अलग अलग एनर्जी शेल के लिए एनर्जी को कैलकुलेट करने का, ठीक है.
और बाकी भी शेल्स के लिए अगर हम एनर्जी की वैल्यूज़ लिख लें, हम अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही लिख रहे हैं तो ये -3.4, यहाँ पे थर्ड शेल की बात करें तो -1.51 एंड उसके बाद -0.85। ये अलग अलग हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी शेल्स थी उसके लिए उन्होंने अलग अलग एनर्जी का कैलकुलेशन किया था। अब अगर आप इस चीज़ को भी देखो जो अभी हमने बात करी कि हमें डिस्क्रीट लाइंस मिलती हैं, इंडिविजुअल लाइंस मिलती हैं, सेपरेट लाइंस मिलती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप शेल्स भी देखोगे तो शेल्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्क्रीट है, ये एनर्जीज जो हैं वो डिस्क्रीट हैं, यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो उसके साथ इतनी पर्टिकुलर एनर्जी ही एसोसिएटेड होगी, सेकंड शेल में होगा तो उसके साथ इतनी पर्टिकुलर एनर्जी एसोसिएटेड होगी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी की वेव्स ही वहाँ से निकलेंगी, और जब पर्टिकुलर एनर्जी की वेव्स निकलेंगी वहाँ से तो हमें कुछ ही कलर्स दिखाई देंगे, हमें सारे कलर्स नहीं दिखाई देंगे। तो बेसिकली एनर्जी शेल्स के साथ भी क्या हो रहा है, वो डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही हैं, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव में वैल्यू कम होती जा रही है, इसका मतलब एनर्जी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं इसलिए हमें डिस्क्रीट लाइन देखने को मिलती हैं किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम में जब हम बात करते हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बोर ने इस चीज को बहुत ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया और जो भी शॉर्टकमिंग्स थी रदरफोर्ड के मॉडल की उसको रिमूव किया। तो बोर ने रदरफोर्ड के तो मॉडल्स के शॉर्टकमिंग्स को रिमूव किया, बट स्टिल बोर के मॉडल में कुछ वीकनेसेस थी, बोर के अब मॉडल के अपने ड्रॉबैक थे। जैसे अभी हमने एक ड्रॉबैक डिस्कस किया कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के स्पेक्ट्रा को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ जब ये देखा गया कि अगर हम एक बहुत ही पावरफुल रेजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो जो लाइंस हमें मिलती हैं ना लाइन स्पेक्ट्रम में, वो लाइंस भी एक्चुअली ग्रुप ऑफ फाइन लाइंस हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम में एक कंसेप्ट और आ जाता है, फाइन स्पेक्ट्रम। तो जो फाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी वो जो सिंगल लाइन है उसमें बहुत सारी महीन महीन सी और अलग अलग जो लाइंस प्रेजेंट हैं, तो वो लाइन क्यों बन रही है या फाइन स्पेक्ट्रम किस तरह से आ रहा है, जो सिंगल कलर है वो जो कलेक्शन ऑफ सेवरल लाइंस हैं, ठीक है ना, वो क्यों हो रहा है, फाइन लाइन स्पेक्ट्रा का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, बोर का मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ ही साथ अभी हम आगे पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें हम डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसको भी बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, यानी उसके साथ सेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बोर ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की पोजिशन फिक्स है, और आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन की पोजिशन हम कभी फिक्स कर ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करता है और हम उसकी पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आप ये चीज़ पढ़ेंगे। तो बोर का मॉडल इन कंसेप्ट के साथ भी फिट नहीं बैठ रहा था। इसके साथ साथ किसी भी एटम का अगर हमें 3D मॉडल एक्सप्लेन करना हो तो भी बोर का मॉडल नहीं कर रहा था, और मॉलिक्यूल्स के शेप किस तरह से बन के आते हैं बोर ने इसके बारे में भी कोई बात नहीं करी थी। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल, बट स्टिल बोर को नोबेल प्राइज मिला क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एटम की स्टेबिलिटी और एटम के थ्रू किस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होते हैं उस कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब जो हमारे पास कुछ और फॉर्मूलाज आए थे उनमें से एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके, और वो हमारी प्रॉब्लम है स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने कि कैलकुलेट द पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम सेवन शेल टू सेकंड शेल। तो अब आपको पता है बोर ने क्या चीज बताई थी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हुआ हायर शेल्स में जाता है और वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी को एमिट करता है, एमिट, ठीक है ना, एमिशन हो रहा है। तो एमिशन से क्या होगा, स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होगा, और कैसा स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होगा, लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होगा। उसमें अगर हमें स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करना है तो हमने अभी एक फॉर्मूला लर्न किया है, हम उसी फॉर्मूला के थ्रू स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला है टोटल लाइंस इज इक्वल टू, टोटल लाइंस इज इक्वल टू N2 minus N1 plus 1 divided by 2, right? अब इलेक्ट्रॉन हायर शेल में कहाँ गया है, N2 हायर शेल होती है और N1 लोअर शेल होती है, तो इलेक्ट्रॉन हायर शेल में कहाँ गया था, 7 शेल में, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, और कहाँ आ रहा है, 2, ठीक है, ये हो गया। सेम वे 7 minus 2 plus 1 divided by 2 इज इक्वल टू 7 minus 2 5 हो गया, 7 minus 2 5 plus 1 6 divided by 2 30, 6 5 is 30 divided by 2 is equal to 15। तो टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन होगा, 15 लाइंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और अगर उन लाइंस के साथ हमें वेवलेंथ को भी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर,
और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, तो n2 हायर शेल और n1 जो है वो लोअर शेल हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने ये दो फॉर्मूला सीखे हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम से आ रहे हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।